26 मार्च 1974 का वो दिन रिणी गांव और महिला मंगल दल के अध्यक्ष गोरा देवी और उनकी 20 साथियां अपने पर्यावरण और वन को बचाने के लिए एक जिद पर अड़ गए और कौन जानता था कि उनकी ये जिद पर्यावरण के लिए लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई में से एक लड़ाई बनकर उभरेगी जिसका पूरा विश्व चिपको आंदोलन के नाम से जानेगा। देश में जन आंदोलनों का एक समृद्ध इतिहास रहा है, इनमें पर्यावरण को लेकर हुए आंदोलन भी शामिल है। उत्तराखंड में चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुए अहिंसात्मक चिपको आंदोलन 50 साल पूरा कर चुके हैं। एक बार फिर से जंगल को बचाने के लिए इस आंदोलन की चर्चा हो रही है। इतिहासकार शेखर पाठक ने अपनी चर्चित किताब हरी भरी उम्मीद चिपको आंदोलन और अन्य जंगलात प्रतिरोधों की परंपरा में लिखा है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में अंगू की लकड़ी नाम मात्र की कीमत पर इलाहाबाद की साइमंड कंपनी को दी गई थी, लेकिन उन पेड़ों के पास रहने वाले और सदियों से उनकी हिफाजत और संतुलित इस्तेमाल करने वाले गरीब किसानों को नहीं मिली। चमोली जिले में दशोली ग्राम स्वराज्य संघ 1964 के सर्वोदयी कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इससे पहले जुलाई 1970 में अलकनंदा में आई भीषण बाढ़ ने लोगों को अपने पर्यावरण की रक्षा के प्रति अतिरिक्त रूप से सचेत कर दिया था। जब 27 मार्च 1973 को अंगू के पेड़ों को काटने कंपनी के मजदूर गोपेश्वर आए तब भट्ट ने कहा था, उनसे कह दो कि हम उन्हें पेड़ काटने नहीं देंगे। वो बताते हैं कि भले ही प्रतिरोध की ये अनूठी बात भट्ट के मुख से निकली पर सामूहिक अभिव्यक्ति थी। इस अभिव्यक्ति ने आने वाले सालों में जन आंदोलन का रूप लिया और देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। चिपको आंदोलन के संगठन और नेतृत्व के लिए साल 1982 में रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित 88 वर्षीय भट्ट कहते हैं कि आज समस्याएं और भी गंभीर हो रही हैं। बात पेड़ की नहीं, पानी की, जमीन की समस्या की भी है। अलग अलग ढंग से संरक्षण की बात ऊपर ही ऊपर हो रही है। जमीनी स्तर पर जिस तरह का काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि आंदोलन आखिर हुआ क्यों। चिपको आंदोलन की नींव 1970 के दशक में उस समय पड़ी जब चमोली जिला के मंडल गांव के पास के जंगल में लकड़हारे पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे थे। तब पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एक स्थानीय कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पेड़ों को गले से लगा लिया और वहां से हटने से मना कर दिया। इस घटना ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 के आरंभ में चमोली जिले के गोपेश्वर में हुई थी। इस साल मार्च में चंडी प्रसाद भट्ट और दशोली ग्राम स्वराज मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने साइमंड्स कंपनी के ठेकेदारों को अंगू के 14 पेड़ों को काटने से रोका। इसके बाद इसी साल दिसंबर में ग्रामीणों ने गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर फाटा रामपुर के जंगलों में साइमंड्स कंपनी के एजेंटों को एक बार फिर पेड़ काटने से रोका, जिसके बाद आपको बताते हैं कि गोरा देवी ने इस आंदोलन में हिम्मत दिखाई। साल 1974 की शुरुआत की बात है। वन विभाग द्वारा जोशीमठ ब्लॉक के रेणी गांव के पास स्थित पेंग मुरेंडा वन के 2451 अंगू के पेड़ों को इलाहाबाद स्थित स्पोर्ट्स गुंडस कंपनी साइमंड्स को ठेके पर दिए जाने का ग्रामीण द्वारा जमकर विरोध किया गया, किंतु ग्रामीणों के विरोध के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार इन पेड़ों को काटने की जुगत में थे। साल 1974 के 26 मार्च को जब रेणी गांव के सारे पुरुष भूमि के मुआवजे के लिए चमोली गए हुए थे तब मौके का फायदा उठा वन विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों मजदूरों के साथ पेड़ों की कटाई के लिए गांव में आ धमके। उस समय गांव में केवल महिलाएं और बच्चे थे, पर गांव के महिला मंगल दल की प्रधान गोरा देवी को जैसे ही इस बात की खबर लगी वो 20 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को अपने साथ ले गई, वन की ओर प्रस्थान करने लगी और पेड़ों की कटाई का विरोध किया। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों को वापस जाने की सलाह दी, पर जब उन्होंने गोरा देवी की बात नहीं मानी और पेड़ काटने की जिद पर अड़े रहे तब गोरा देवी और उनके साथ आई महिलाएं और बच्चियां पेड़ों से चिपक गई और कहा कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काट लेना। महिलाओं की दृढ़ता देख ठेकेदार को वापस जाना पड़ा। चिपको आंदोलन को आज भले ही 50 साल हो गए हैं, लेकिन ये आंदोलन आज भी उस संघर्ष की याद दिलाता है और साथ ही समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा है जो गलत के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाता है। इसके साथ ही एक संदेश भी समाज के लिए है कि अगर किसी भी लड़ाई को सकारात्मकता से लड़ा जाए तो किसी भी ताकत को हराया जा सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।